अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू हिना की दुनिया। आप सब कैसे हैं? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज है आतिफ का रिजल्ट, तो हम जा रहे हैं आतिफ का रिजल्ट लेने के लिए। दुआ करिएगा कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। वैसे तो पास ही है, लेकिन अच्छे नंबरों से आ जाए। तो चलिए देखते हैं आतिफ का रिजल्ट क्या होगा और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आतिफ पास हो गए हैं और ये रहा आतिफ का रिजल्ट। आतिफ आ गए हैं 7th B में। कॉन्ग्रेचुलेशंस आतिफ। चलिए आतिफ को था आपका, आतिफ का स्कूल देख लिया आप लोग। ये रहा आतिफ का स्कूल और वहाँ कुछ हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, देखकर आते हैं। इसके पापा के साथ एक वो प्रैंक करने वाले, हम बोलेंगे आतिफ की कंपार्टमेंट आई है, फेल हो गए, फेल हो गए, ये बोलेंगे फेल हो गए। नहीं नहीं कंपार्टमेंट नहीं, फेल हो गए। मुझे पता है फिर वो पंचर वाले पे आएंगे। नहीं, प्रैंक वो उसमें करेंगे, फेल का नहीं मानेंगे ना, उसका कंपार्टमेंट का मान लेंगे कि कंपार्टमेंट आई है। दो तीन सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्टों में आई है मैथ, इसमें एक तो मैथ्स में आई है और एक इंग्लिश में आई है। ठीक है तो हम चलते दिखाते हैं आपको रिजल्ट। मुझे दे दी बताओ आतिफ रिजल्ट। दो सब्जेक्टों में कंपार्टमेंट आई है। अभी से कंपार्टमेंट लेके आ रहा है। मैं आज और इंग्लिश यार। सो गाइस अब हो चुका है सर का टाइम। मैं स्कूल से आई, काम वाम करा, फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं रिजा के साथ बैंक भी गई थी आतिफ के स्कूल के आने के बाद, और हमने जो इनके साथ प्रैंक करा था वो फेल हो चुका है क्योंकि इनको पता लग गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं। तो अब हो गया है सर का टाइम, जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए, फिर जाऊँगी ऊपर, करेंगे किचन में कुकिंग, क्या क्या करते हैं आपको दिखाते रहेंगे, तो कंटिन्यू रहेगा व्लॉग। तो चलिए काम करते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं किचन में, तो आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए बर्गर, और ये है सलामी, चिकन सलामी। और ये बर्गर के अंदर लगती है, ये रहे हमारा सलाद पत्ता, और ये रहे हमारे मियाँ जी प्रिपरेशन करते हुए। आजकल ना ये मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड हो गए, ये मेरी ना फुल मदद करने लग गए। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगा, ये जंगली बिल्लियां जो भड़का रही हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे हस्बैंड हो गए, ये ना फुल मदद करने लग गए हैं मेरी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, करनी चाहिए, थोड़ी सी तो हेल्प करनी चाहिए ना वाइफ की। ये जो जंगली बिल्लियां भड़का रही हैं मेरी बीवियों को, बीवियों को कितनी बीवियां है तुम्हारी। नॉनस्टिक तवे पे हमने थोड़ा सा बटर की ग्रीसिंग करके, और हम अपनी सलामियों को थोड़ा सेकेंगे बर्गर में डालने के लिए। सलाद मैंने बना के तैयार कर लिए, ये सलाद दिखा दूं बर्गर के ऊपर जो अंदर लगेगी। ओके और फुल मतलब अच्छा वाला बर्गर खिलाओगे आज तो? हाँ, महंगा वाला बर्गर खिलाएंगे। महंगा वाला बर्गर कितने का होगा ये? भाई साहब 1400 रुपए का बर्गर। ये मसाला सलामी है। ओके अच्छा, ये चिकन की सलामीज होती है। टेस्टी लग रही है, क्या क्या लगती है? एक बर्गर में 2 लगेंगी। अच्छा। लगाना चाहो आप 8 से 10 लगा सकते हो। यही खा लो, बर्गर मत खाओ। ठीक है काट ले, अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है Thank you.
कितना अच्छा कलर आ रहा है, गोल्डन अच्छी लग रही, गोल्डन गोल्डन। तो बर्गर हमारा रेडी हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले बर्गर में थोड़ी सी चटनी लगाएंगे, ये हमारे घर की चटनी है, हरी चटनी। हाँ, हरी चटनी, सिंपल हरी चटनी। मेयोनीज, से लगाना जो अच्छा क्रीमी क्रीमी मुंह में आए। और ये लगा दी मेयोनीज भर भर के, भर भर के। और उसके बाद पेरी पेरी मसाला, पेरी पेरी मसाला। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ मैं इनको एक रेस्टोरेंट खुलवा दूं या नहीं। और पेरी पेरी मसाले के बाद आपके एक सलामी, सलामी और प्याज, ऑनियन, सलाद पत्ता। इसमें हमने थोड़ा सा काली मिर्च और चाट मसाला मिक्स करा है। और सलाद पत्ता ये वाला हमारा रेडी है, ये सलाद पत्ता। ओके सलाद पत्ता। ओके और उसके बाद एक सलामी और, एक सलामी और ऊपर से। गुड। और ये थोड़ी सी मेयोनी जो कि केस के अकॉर्डिंग डल जानी चाहिए, थोड़ी सी टेस्ट ये टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। इसकी एक फोटो आप लेनी है तो आप ले सकती हो, लेनी ऐसे फोटो ले लो, वो भी तो लगाओ साथ में। हाँ ये ऐसे लेते हैं। यस गाइस, माशाल्लाह ये हमारे बर्गर बनके रेडी हैं। दो बर्गर हमारे यहाँ रेडी हो चुके हैं, ये चार बर्गर हमारे रेडी हैं इफ्तारी के लिए। बस रोजे का टाइम होने वाला है, जल्दी से और तैयारी करते हैं। तरबूज आ चुका है, तरबूज काटना है मैंने अभी फटाफट, और इनका काम हो चुका है, ये बर्गर बना के अपना साइड हो गए हैं। हमारे बर्गर ऑलरेडी तैयार है। और प्लीज गाइस मुझे कमेंट में बताना कि मैं इनको एक रेस्टोरेंट खुलवा के दूं या नहीं, हाँ या ना, प्लीज बताओ। सो गाइस रोजा खुलने वाला है, खुला नहीं है, तैयारी का टाइम हो चुका है। अब हम बैठ गए हैं तैयारी करने के लिए, लग गया है क्योंकि खुल चुका है, बस दो तीन मिनट ही रह गए हैं, रोजा खुलने का टाइम हो चुका है। यहाँ हम अपना सेटअप तैयार कर रहे हैं। सो गाइस अब आ चुके हैं किचन में, खाने की तैयारी करते हैं। आज हम बना रहे हैं तहरी, और ये मैंने प्याज काटी, टमाटर, ये रहे हमारे चावल, और ये रही हमारी सोयाबीन, ये मैंने भिगो दी थी एक घंटा पहले, क्योंकि मेरे बच्चे जो है और ये भी बड़े शौक से तहरी में सोयाबीन ही खाते हैं। और सोयाबीन देखिए कितने अच्छे से भीग चुकी है। और यहाँ रख दिया है मैंने कुकर, और अब मैं बनाती हूँ तहरी। चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे बनाते हैं। ऑयल अपने हिसाब से डाली, ज़्यादा नहीं ना ज़्यादा कम। सो गाइज अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, खाना वाना खा के हम आ गए नीचे, अब रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर सैरी के लिए भी उठना है, और कल है जुम्मा, और थोड़ा जल्दी उठ के काम वाम करके, फिर आपको पता ही है जुम्मे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी डे हो जाता है। तो और खाना वाना खा लिया हमने, और तहरी मेरी बहुत अच्छी बनी थी, मैं सारा शूट करना भूल गई, खाना आया भूख लग रही थी, फटाफट खाना खाने बैठ गए, कुछ शूट भी नहीं करा, याद आया कि अरे कुछ तो शूट करा ही नहीं, अपने व्यूअर्स को हमने बताया ही नहीं कि हमारी तहरी कैसी बनी थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी। खाना वाना खा के आ गए नीचे, अब करेंगे रेस्ट, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।